हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको टंग के बारे में एक्सप्लेन किए थे एंड केयर ऑफ टंग के बारे में। उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि थिंक एंड आंसर, हाउ मेनी टेस्ट वर्ड डू वुमेन हैव। ठीक है, मानव के पास कितने टेस्ट वर्ड होते हैं? इसका तो आंसर है आपका 10,000। 10,000 जो हैं अप्रॉक्सीमेट, लगभग 10,000 जो हैं टेस्ट वर्ड्स जो हैं मानव के पास होते हैं, और पर वीक, ठीक है, पर हफ्ते जो है, प्रति हफ्ते जो है फिर से तैयार हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। ठीक है, तो पर वीक यह चेंज होते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्क्रीन के बारे में। आइए ध्यान से देखें स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन, आवर स्क्रीन हेल्प अस टू फील द डिफरेंट थिंग्स। हमारा स्क्रीन जो है वह अलग अलग चीज़ों को महसूस करने में हमारी मदद करता है। हमारा स्क्रीन जो है वो अलग अलग चीज़ों को फील करने में, महसूस करने में हमारी मदद करता है। आवर स्क्रीन हैज़ नर्व एंडिंग दैट हेल्प अस टू फील हॉटनेस, कोल्डनेस, रफनेस, स्मूथनेस एंड पेन। ठीक है, हमारे स्क्रीन में नर्व एंडिंग्स पाए जाते हैं, नर्व के सिरे पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे स्क्रीन में नर्व के एंडिंग्स पाए जाते हैं जो हमें हॉटनेस, कोल्डनेस, रफनेस, स्मूथनेस एंड पेन का एहसास कराते हैं। ठीक है, तो हमारे स्किन्स में नर्व एंडिंग पाए जाते हैं जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से हमें, ठीक है, गर्मी का एहसास होता है, फील हॉटनेस गर्मी का एहसास होता है, ठंडी का एहसास होता है, कोल्डनेस का, रफनेस खुरदुरा पर का खुरदुरा का एहसास होता है, एंड स्मूथनेस जो प्लेन सरफेस है इसका एहसास होता है, एंड पेन और दर्द का एहसास होता है। तो आप देख रहे हैं कि आपके स्किन में नर्व एंडिंग्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से आप हॉटनेस, कोल्डनेस, रफनेस, स्मूथनेस एंड पेन का पता लगाते हैं, महसूस करते हैं। अंडर आवर स्किन देयर आर नर्व दैट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू द ब्रेन। ठीक है, हमारे स्किन के नीचे की तरफ, ठीक है, नर्व्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और ब्रेन को भेजते हैं। अंडर आवर स्किन देयर आर नर्व्स दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू द ब्रेन। ठीक है, स्किन के नीचे की तरफ नर्व्स पाए जाते हैं जो सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और ब्रेन को भेजते हैं। ठीक है, तो यह स्किन का यहाँ पे फिगर आप देख रहे हो। स्किन में सबसे ऊपरी पार्ट को एपिडर्मिस कहते हैं और उसके बाद वाले पार्ट को डर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो यह एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा, उसके बाद जो है आपका डर्मिस है जिसे त्वचा कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखा जाए डर्मिस में क्या क्या पार्ट जाते हैं, तो डर्मिस में आप देखो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यह ब्लड वेसल्स हैं जिसके रास्ते ब्लड फ्लो करता है, बहता है। यह आपका फॉलिकल्स हैं, ठीक है, जो हेयर्स होते हैं उसके रूट हैं, फॉलिकल्स हैं। यह आपका आयल ग्लैंड्स हैं जिससे आयल निकलता है, आयल ग्लैंड्स हैं। यह आपका स्वेट ग्लैंड्स है, पसीने की ग्रंथियां हैं जिनसे पसीना निकलता है। ये आपके मिलेनोसाइट्स हैं जिनसे आपको स्किन का कलर मिलता है, मिलेनोसाइट्स के हेल्प से। ये आपके फैटी टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जिससे स्किन मोटा होता है फैटी टिश्यू के कारण। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके स्किन में ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब आप देखें केयर ऑफ स्किन, स्किन की कैसे हम सुरक्षा करेंगे। कीप योर स्किन क्लीन बाय वॉशिंग इट। ठीक है, अपने स्किन को, ठीक है, साफ कीजिए, इसको धोते रहिए, वॉश करते रहिए ताकि आपकी स्किन जो है साफ रहे। ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ, हमेशा जो है साफ कपड़े पहनिए। ऑलवेज यूज एन एंटीसेप्टिक क्रीम व्हेन यू स्किन गेट्स हर्ट। ठीक है, जब आपको स्किन, ठीक है, स्किन पर कोई चोट लग गया हो या फिर, ठीक है, उसके कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो तो आप एंटीसेप्टिक जो है क्रीम का यूज करें। स्किन पे कोई भी हर्ट लगता हो, चोट लगता हो, तो वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करना चाहिए। ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको हेल्दी भोजन, ठीक है, खाना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में वाटर पीना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हेल्दी फूड, ठीक है, स्वस्थ, ठीक है, जो पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स हैं उनको आपको खाने चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो इससे आपको क्या होगा, केयर ऑफ स्किन होगा, आपके स्किन की सुरक्षा होगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्किन के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें आपने देखा आवर स्किन हेल्प अस टू फील द डिफरेंट थिंग्स, हमारा स्किन जो है अलग अलग चीज़ों को महसूस करने में हमारी मदद करती है। आवर स्किन हैज नर्व एंडिंग, हमारे स्किन में नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, दैट हेल्प अस टू फील हार्डनेस कोल्डनेस रफनेस एंड पेन, जिसकी हेल्प से हमें हार्डनेस कोल्डनेस रफनेस एंड स्मूथनेस और पेन का पता चलता है। अंडर आवर स्किन देयर आर नर्व्स दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू द ब्रेन, इट टू द ब्रेन, ठीक है, हमारे स्किन के नीचे की तरफ नर्व्स पाए जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन में भेजते हैं, ठीक है। केयर ऑफ स्किन में आपने देखा कीप योर स्किन क्लीन बाय वॉशिंग इट, अपने स्किन को साफ रखिए, ठीक है, अपने स्किन को वॉश करते रहिए, धोते रहिए, ताकि स्किन जो है साफ रहे। ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, हमेशा जो है साफ कपड़े पहनिए। ऑलवेज यूज एन एंटीसेप्टिक क्लीन व्हेन यू स्किन गेट हर्ट्स, अगर जो है स्किन पर कोई चोट लग गया हो तो आप हमेशा जो है एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज कीजिए। ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हेल्दी भोजन को कीजिए और पर्याप्त मात्रा में जल को ग्रहण कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका स्किन एंड केयर ऑफ स्किन, ठीक है, थैंक यू।